Hello students, hope you are all right. So once again, welcome back to my English class. Today we are going to start LP2, silent discussion. And you will be able to write the independent answer to critical thinking questions and respond critically to peer responses. आज आप अपने इंडिपेंडेंट आंसर लिख पाएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे और अपने फ्रेंड्स के क्वेश्चंस के भी रिस्पॉन्स कर पाएंगे आप. सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्लॉक. ओके, सो हैव यू एवर हैड अ डिसएग्रीमेंट विद वन ऑफ योर पीयर्स? पीयर्स मीन्स फ्रेंड्स, योर कंपेनियंस. क्या आपका अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ कभी किसी इशू को लेके, कभी किसी बात को लेके कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है? डिसएग्रीमेंट, नॉट अग्री, जब आप उनकी बातों से सहमत ना हुए हो. एंड हाउ डिड बोथ ऑफ यू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस? और आपने अपने ओपिनियंस कैसे एक्सप्रेस किए? सो ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे ओपिनियन अलग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के अलग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के अलग होते हैं, लेकिन जो है हम अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं. सो टुडे वी विल पार्टिसिपेट इन अ साइलेंट ग्रुप डिस्कशन वेयर वी विल रीड क्वेश्चंस, थिंक इंडिपेंडेंटली एंड रिस्पॉन्ड क्रिटिकली टू आवर पीयर्स. आज हम साइलेंट डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम साइलेंट डिस्कशन कर पाएँ, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन प्लान टू यू, बिकॉज इट्स नॉट द रियल क्लास, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस साइलेंटली हियर. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू सम क्वेश्चंस. यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड यू हैव टू थिंक क्रिटिकली अबाउट दैम. और आपको सोचना है उन क्वेश्चंस को लेके. Who is better person, Macpherson or the speaker of the poem? Better person कौन है, Macpherson है या poem का speaker है? What would have happened to the speaker of the poem had he done what Macpherson did? Poem के speaker के साथ क्या हुआ होता अगर उसने भी वही किया होता जो Macpherson ने किया, जैसे celebrate किया था वहाँ पर उन्होंने Christmas, fight को stop कर दिया था. Why is the speaker of the poem telling this story? Poem का जो speaker है वो story क्यों बता रहा है? Who has the power to stop war? किसके पास पावर होती है वॉर को स्टॉप करने की? The soldiers, soldier के पास. The commanders, commander के पास. और someone else, और किसी और के पास. Okay, now let's see. So some of our answers can be Macpherson is better person because he showed mercy and compassion for his enemy. कि उसने अपने एनिमी के लिए जो है कंपैशन दिखाया, दया दिखाई, मर्सी दिखाई, तो वो बेटर पर्सन है. और दैट द स्पीकर इज़ अ बेटर पर्सन बिकॉज ही फॉलोड हिज ऑर्डर्स एज अ सोल्जर. अगर दूसरी तरफ देखें तो स्पीकर है जो पोम का, वो भी बेटर पर्सन हो सकता है क्योंकि उसे जो ऑर्डर मिले थे उसने उसे फॉलो किया. सम ऑफ यू आस्ट वेदर इधर कुड बी कैटेगराइज एज गुड, कि इन दोनों में से किसी को गुड समझा जा सकता है, अच्छा समझा जा सकता है. The speaker could have been killed too. Speaker मारा भी जा सकता था. The speaker feels guilty. Speaker को guilty feel होता है and is trying to make sense of what he has done. और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया है और वो express करना चाहता है. The soldiers, commanders and the members of society all have the power to stop war in different ways. The soldiers, commanders and members of society all have the power to stop war in different ways as seen by the Christmas truce because soldiers listen to them. Soldier truce ko sunte hain by demanding that leaders find an alternative way to solve the conflict respectively. Okay, now tell me, why should we take time to understand our peers' thought? कि हमने फ्रेंड्स के जो थॉट्स होते हैं उनको समझने में हमें क्यों टाइम निकालना चाहिए, मतलब क्यों उन पर ध्यान देना चाहिए हमें? How did reading others' opinions help us? और दूसरों के ओपिनियन पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? आपकी क्लास में भी होता है, डिस्कशन होता है, आप कुछ और कहना चाहते हो, आपका फ्रेंड कुछ और कहना चाहता है, फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है. सो व्हेन वी डिस्कस टेक्स्ट्स एंड जनरल इन्फॉर्मेशन विद आवर पीयर्स वी बिकम एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस. सो हमें अलग अलग आइडियाज़ मिलते हैं, अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं एज आवर लाइफ एक्सपीरियंसिस डिफर. हमारे सबके लाइफ के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. वी ऑफन इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट डिफरेंटली. सो एक्सपीरियंस अलग होंगे तो हम चीज़ों की तरफ डिफरेंटली ही रिएक्ट करेंगे.
सो डिड दिस एक्टिविटी अफेक्ट योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली? तो जो एक्टिविटी ये हुई है, क्या आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको थोड़ा मोटिवेशन मिला है? सम ऑफ अस फेल्ट कंफर्टेबल विद दिस एक्टिविटी. हम में से कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगा बिकॉज वी प्रीफर राइटिंग टू स्पीकिंग. कि हमें, कई लोगों को होता है लिखना पसंद है वो बोलना नहीं चाहते. मैनी ऑफ अस अप्रिशिएटेड हैविंग टाइम टू स्टॉप एंड थिंक थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर हैविंग टू क्विक आंसर. कुछ लोगों को ये अच्छा लगा कि ठीक है अभी क्वेश्चन पढ़ लिया और कुछ टाइम बाद सोचते हैं फिर उसका आंसर करेंगे. वाइल सम ऑफ अस प्रीफर टू स्पीक देन राइट. और कुछ बच्चे लिखना नहीं चाहते सिर्फ बोलना चाहते हैं. सम ऑफ अस ऑल्सो फेल्ट अनकम्फर्टेबल बींग क्रिटिकल अबाउट अवर पीयर्स आंसर्स. और हमने फ्रेंड के आंसर को क्रिटिसाइज करना वो भी हमें अनकम्फर्टेबल लगता है, उनको अपोज करना. पार्ट ऑफ बींग अ क्रिटिकल थिंकर इज बींग एबल अंडरस्टैंड अदर्स ओपिनियंस एंड एडजस्टिंग आर ओपिनियंस अकॉर्डिंगली. वेन वी एक्सचेंज थॉट्स अबाउट टेक्स्ट वी रीड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी कम अवे विद एन इवन ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. कि जब हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, क्वेश्चंस को एक्सचेंज करते हैं, तो हमें किसी भी टेक्स्ट की ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर वर्कशीट. टेक आउट योर वर्कशीट S2 एट पेज नंबर 6 एंड थिंक क्रिटिकली. चूज योर फेवरेट आंसर फ्रॉम द साइलेंट डिस्कशन एक्टिविटी एंड राइट इट इन द स्पेस बिलो. आपका फेवरेट आंसर कौन सा है? मैकफर्सन इज बेटर पर्सन एज ही शोड मर्सी एंड कंपैशन फॉर हिज एनिमी. उसने अपने दुश्मन के लिए दया दिखाई, दुश्मन के लिए कंपैशन शो किया. सो मैकफर्सन जो है बेटर पर्सन है. व्हाई वाज दिस योर फेवरेट आंसर? दिस इज माय फेवरेट आंसर बिकॉज आई फील स्ट्रांगली अबाउट द टॉपिक. आई एम बॉदर्ड ग्रेटली बाय द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोम. ही लैक्स कंपैशन. सो मुझे ये आंसर इसलिए अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट आंसर इसलिए है क्योंकि मैं इस टॉपिक के बारे में स्ट्रॉन्गली फील करता हूँ, वॉर के बारे में. और मैं परेशान हूँ कि जो स्पीकर है पॉम का, उसने वॉर स्टॉप नहीं की और उसने सोल्जर को मार दिया और उसमें कंपैशन की कहीं ना कहीं कमी है. डिड योर ओपिनियन और व्यू अबाउट एनी ऑफ द क्वेश्चन चेंज आफ्टर रिव्यूइंग योर पीयर्स ओपिनियन? क्या किसी क्वेश्चन को लेके या किसी उसको लेके आपका जो ओपिनियन चेंज हुआ हो फ्रेंड के आंसर सुनने के बाद? So I like the man he killed better than best Christmas present. I feel the poem describes war more accurately. My peers brought up very good points. हाँ, आइडिया चेंज हुआ, ओपिनियन चेंज हुआ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे. राइट थ्री क्वेश्चंस यू हैव फॉर एनी ऑफ द पीयर्स रिस्पॉन्सेज. अपने फ्रेंड्स के रिस्पॉन्सेज के लिए आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. वेयर इज़ द एविडेंस इन द टेक्स्ट फॉर? What real power do the soldiers have and why shouldn't the speaker of the poem tell this story? So students, I hope you can do S2 very well.